हेलो फ्रेंड्स, मैक्स कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें एमएस वर्ड के अंदर अगर 2023 का अगर एक टेबल कैलेंडर बनाना हो तो दोस्तों कैसे बनाएंगे हम एमएस वर्ड के अंदर, वही आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कैसे 2023 का कैसे हम एक प्रोफेशनल कैलेंडर बनाते हैं, कैसे एक हम टेबल कैलेंडर बनाते हैं, सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाई स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एमएस वर्ड सर्च करना है। नहीं तो दोस्तों आप क्या करेंगे, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आप एमएस वर्ड लिख लेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे एमएस वर्ड लिखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एमएस वर्ड लिखेंगे तो ऊपर हमारा एमएस वर्ड आ जाएगा और सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेकंड लगता है और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, इसी के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एक टेबल कैलेंडर बनाते हैं। इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको पेज सेटअप करना होता है। दोस्तों, पेज सेटअप के लिए यहाँ पर देखेंगे पेज लेआउट मिल जाएगा। दोस्तों, इस पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन आ जाएगा और इस साइज़ पे क्लिक करेंगे तो जो भी साइज़ आपको लेना है सिंपल यहाँ से क्लिक कर उस साइज़ को आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पे जो हम कैलेंडर बनाने वाले हैं वो हम A5 के अंदर बनाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी आप साइज़ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको मोर पेपर साइज़ मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी साइज़ देना हो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से A5 साइज़ ले लेंगे। और दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों देखेंगे ये हमारा A5 खाड़ा में है। अगर हम इसे पॉट करना चाहते हैं तो हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे ओरिएंटेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों पेज लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लैंडस्केप ले लेंगे। सिंपल इस लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेपर जो है वो तिरछा हो जाएगा, मतलब टेढ़ा हो जाएगा। दोस्तों, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल जाना है इस इंसर्ट के अंदर। देखिए दोस्तों, इस इंसर्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एक शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल ले लेना है। दोस्तों, रेक्टेंगल लेने के बाद ऐसे आपको एक ड्रॉ कर लेना है रेक्टेंगल और सिंपल ऐसे ड्रॉ करना है। और करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे तो आपको एडिट शेप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर ले जाना है और थोड़ा सा कर्सर को ऐसे तिरछा कर लेना है और नीचे भी आना है और यहाँ पे आना है और थोड़ा सा आपको कर्सर को ऐसे घुमा लेना है ताकि देखने में हमें थोड़ा तिरछा लगे और सुंदर लगे। दोस्तों, हमारा इतना काम हो जाने के बाद उसके बाद से क्या करेंगे, हम इसी के अंदर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मेट शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फिल का ऑप्शन आ जाएगा, इस फिल पे क्लिक करना है और इसी के अंदर दोस्तों देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पिक्चर एंड टेक्सचर फाइल का। आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे आपको फिल का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ जाएगा और इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जहाँ पे भी पिक्चर रखे हुए हैं आप उस पिक्चर को उस शेप के अंदर लगा सकते हैं। तो सिंपल हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कुछ पिक्चर लगाए रखे हुए हैं और इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। सिंपल इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे ये पिक्चर यहाँ पे लग चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पिक्चर लग चुका है। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे और शेप के अंदर जाएंगे और यहाँ से एक गोला सा रेक्टेंगल ले लेंगे, ऐसे रेक्टेंगल लेंगे और दोस्तों इसका साइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे आपको साइज का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसे 4 और नीचे भी हम यहाँ से विड्थ में भी 4 कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और यहाँ से 4 करेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और इसी का क्या करेंगे, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करेंगे, हमारा डुप्लीकेट बन जाएगा। देखिए दोस्तों, दोस्तों इसका कुछ साइज़ हम यहाँ से कर लेते हैं 4.5 और नीचे में भी हम क्या कर लेते हैं 4.5 कर देते हैं। देखिए दोस्तों,
और उसके बाद से एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है तो ये नीचे चला जाएगा। देखिए दोस्तों, नीचे जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे आप अपने अनुसार, और ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट सेव के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको लोगो लगाना हो, पिक्चर लगाना हो, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस है दोस्तों, जाएंगे इस पिक्चर पे और पिक्चर पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी पिक्चर लगाना है क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे उस पिक्चर जो सेप के अंदर पिक्चर आपका दूसरा यहाँ पे लग जाएगा। दोस्तों इसका आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मेट के अंदर जाना है। देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सेप आउटलाइन दिया हुआ है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से जो भी आउटलाइन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा आउटलाइन दे देते हैं और इस आउटलाइन को दोस्तों यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मोड़ा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में सुंदर लगे। और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और इसका जो यहाँ पे सेफ फिल दिया हुआ है यहाँ से नो फिल कर देंगे और इसका आउटलाइन दोस्तों यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम कुछ अलग कलर कर देते हैं ताकि हमें देखने में सुंदर लगे। तो सिंपल ये कलर करेंगे और इसका आउटलाइन यहाँ से आएंगे विड्थ में और यहाँ से इसका आउटलाइन ऐसे हम मोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इतना होने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा कंप्लीट जो डिज़ाइन था वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर चाहते हैं आप दूसरा बैकग्राउंड लगाना, दूसरा इमेज लगाना यहाँ पे इस गोले कार में, अगर चाहते हैं अपना लोगो लगाना तो सिंपल आप लगा सकते हैं। दोस्तों इतना होने के बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है। देखिए दोस्तों, ऐसे ड्रॉ करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं और उसके बाद से दोस्तों इंसर्ट के अंदर जाना है। यहाँ से आपको टेबल मिल जाएगा, इस टेबल पे दोस्तों यहाँ से हम रो ले लेते हैं, यहाँ से रो हम कर लेते हैं 7 और कलम यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ से 6 हम कलम कर देते हैं। दोस्तों इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोना में पकड़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कोना में, और कोना में पकड़ने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसे नीचे ड्रे कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे नीचे ड्रे करेंगे, आप जैसे चाहते हैं वैसे ड्रे कर सकते हैं और ऊपर वाले जो हमारा रो है इसको यहाँ पे कर्सर को लाएंगे इस लाइन पे और थोड़ा सा इसे क्या करेंगे ऊपर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इतना ऊपर करेंगे और इसे एक बार और थोड़ा सा पकड़ कर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी ऊपर वाले कॉलम में हैं, हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी लिखना हो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से शॉर्टकट में लिख लेते हैं संडे और टेप प्रेस करेंगे और उसके बाद हम दूसरे कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पे एम लिखेंगे और फिर टी लिखेंगे और फिर डब्ल्यू लिखेंगे फिर टी लिखेंगे और फिर यहाँ से एफ लिखेंगे फिर यहाँ से एस लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पे हम लिख चुके हैं। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो भी डेट लिखना हो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1 करेंगे फिर टैब बटन दबाएंगे, 2 करेंगे और यहाँ से 3 करेंगे और यहाँ से फिर टैब बटन दबाएंगे, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, ऐसा ही हम कर हम दोस्तों यहाँ से लास्ट में हम जो भी जो हमारा 31 या 30 आता है वो हम वो यहाँ पे कर लेंगे। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम नीचे वाले आएंगे यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे खाली, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ऊपर वाले को छोड़ देंगे और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस लेआउट के अंदर जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम अलाइनमेंट के अंदर इसे एंटर कर लेंगे और सेंटर करने के बाद दोस्तों जाएंगे होम के अंदर और यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा। इतना होने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऊपर वाले पे ऐसे क्लिक करेंगे और जाएंगे इसे लेआउट के अंदर और इसे भी हम यहाँ से सेंटर कर लेंगे और होम के अंदर जाएंगे और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों इतना होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जाएंगे हम फॉर्मेट के अंदर और यहाँ से सेव फिल के अंदर जाएंगे, यहाँ से नो फिल कर देंगे और इसका आउटलाइन भी यहाँ से नो फिल कर देंगे। जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया था वो यहाँ से हट चुका है। दोस्तों इतना होने के बाद क्या करेंगे, हम सारे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ऐसे सारे बॉक्स को जो हमारा सेल था इसे सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे इस डिज़ाइन के अंदर और यहाँ से बॉर्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे। करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम ऊपर वाले जो हमारा सेल है, जो हमारा कॉलम है, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और इस शेडिंग के अंदर दोस्तों कुछ ऐसा हम एक हमेशा एक हल्का कलर यहाँ से ले लेते हैं।
दोस्तों इतना होने के बाद क्या करेंगे, ऐसे हम इस कॉलम के अंदर आएंगे और नीचे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर दोस्तों हम जाएंगे होम के अंदर और यहाँ से रेड कर लेंगे। दोस्तों देखेंगे इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से क्या करेंगे, हम जाएंगे डिजाइन के अंदर और डिजाइन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पेज कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और फिल इफेक्ट के अंदर आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से टू कलर ले लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको टू कलर मिल जाएगा और ऊपर वाले कलर में कुछ हम हल्का कलर कर देंगे और नीचे में दोस्तों हम यहाँ से कुछ ऐसा कलर ले लेते हैं और यहाँ से ओके करेंगे तो जो हमारा पेज था, जो हमारा बैकग्राउंड था, वो कुछ ऐसा हल्का कलर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, हम जाएंगे इस इंसर्ट के अंदर और यहाँ से शेप के अंदर जाएंगे और यहाँ से एक शेप को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे एक शेप को ड्रॉ करेंगे और करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक पीला कलर आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और ऐसे आपको राउंडेड कर लेना है। करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे लाएंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ पे लाते हैं और फिर से जाएंगे हम इंसर्ट के अंदर और शेप के अंदर जाएंगे और यहाँ से गोला सा हम एक रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे गोला सा रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे लाएंगे। दोस्तों इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जाएंगे शेप के अंदर और यहाँ से इसका कलर जो भी लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका आउटलाइन और इसका दोस्तों इसे सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे होम के अंदर और इसका कलर दोस्तों यहाँ से हम कुछ वाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। दोस्तों इसी पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे और इसके अंदर आएंगे और इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से 0 और 1 कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से हम बड़ा कर लेंगे और इसको ले आकर हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, उसके बाद से दोस्तों इसी का एक डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल के साथ ऐसे ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, 2023 लिख लेंगे। देखिए दोस्तों यहां से 2023 कर लेते हैं और यहां से 2023 करेंगे और इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसे बड़ा कर लेते हैं और ऐसे पहले हम इस टेक्स्ट को ऐसे हम क्या करेंगे, जो हमारा शेप था इसको यहाँ से ऐसे बड़ा करेंगे। करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ से इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो यहाँ से चेंज कर लेंगे और करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेंगे। दोस्तों इतना होने के बाद पहले वाले टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर जो भी लेना हो हम यहाँ से क्या करेंगे, उस कलर को ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम दूसरे नंबर को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दूसरा कलर हम यहाँ से ले लेंगे। फिर ये वाले टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी कलर लेना हो हम यहाँ से ले सकते हैं। सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस कलर को यहाँ से ले लेते हैं, नहीं तो हम ये कलर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये कलर ले लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ से ये कलर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों इतना होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको ऐसे सारे को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट के अंदर और यहाँ
ऐसे कीबोर्ड के सारे एडजस्ट करेंगे, उसके बाद से इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ले आकर एडजस्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, दोस्तों इतना हमारा हो जाने के बाद अगर चाहते हैं अपनी कंपनी का यहाँ पे लोगो लगाना तो आप लोगो लगा सकते हैं, कुछ नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख सकते हैं और नीचे भी अपना कंपनी का अगर नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो अगर हमें सुंदर, अगर इसको और थोड़ा सा सुंदर करना है तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, नहीं तो हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे और शेप के अंदर जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल लेने के बाद दोस्तों ऐसे एक ड्रे करेंगे रेक्टेंगल को और जाएंगे हम इस एडिट शेप के अंदर और एडिट पॉइंट लेंगे और थोड़ा सा इसे तिरछा कर लेंगे और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, इसका कलर यहाँ से हम कुछ अलग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, और इसका आउटलाइन हम क्या करते हैं, यहाँ से नो आउटलाइन कर लेते हैं। और इतना होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ पर लाएंगे और इसी का एक डुप्लीकेट लेंगे कंट्रोल के साथ और इसको क्या करेंगे यहाँ पर लाएंगे। और लाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा यहाँ से हमें यहाँ से चेंज कर देते हैं, नहीं तो दोस्तों ये कलर हम ले लेते हैं। और इसका आउटलाइन दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से नो आउटलाइन कर देते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो हमारा टेबल वाला जो कैलेंडर है दोस्तों, यहाँ पे मैंने केवल जनवरी का टेबल कैलेंडर बनाया हूँ। दोस्तों इसी तरह क्या करना है, केवल आपको यहाँ पे जनवरी फरवरी और यहाँ पे जो भी चीज़ है वो आपको सिंपल चेंज करना है और जो भी डिज़ाइन में पिक्चर लगाना हो, जो भी लगाना हो, आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम कोई भी एक टेबल कैलेंडर बनाते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा। दोस्तों अगर इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलता है आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।